श्री कृष्ण जय माता जी की। आज हम बनाएंगे चिली बरवा परवर। तो देखिए, मैंने परवर लिया, दिखाती हूँ आपको आगे। परवर लेना है एकदम फ्रेश वाला परवर, को ऐसे थोड़ा थोड़ा सा, देखिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा छिलका निकालेंगे। बहुत छिलका मत निकालना, न तो परवर परवर नहीं होगे। फिर एक ऐसे कट लगाना है, देखिए सारे ये ऐसे करके रेडी रखे हैं। देखिए अच्छे से वॉश कर लिए हैं, परवर पूरे रेडी हो चुके हैं। तो चिली का मसाला बनाते हैं। मैं इसके साथ बहुत ही बढ़िया एक आपके पास में डिश पेश करूंगी खाने की, पूरी परवा परवल के साथ में। देखिए मैंने जीरा लिया है, साबुत धनिया, एक इलायची और 10 नगे है काली मिर्च और नमक अच्छे से कूटेंगे। धनिया, जीरा, मरी, इलायची सब कूट के रेडी है। तो देखिए ये गार्लिक डाल रही है, उसको भी अच्छे से पहले दरदरा कूटेंगे। अब जाएगी कश्मीरी चिली, 2 चम्मच डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया रेडी हो चुका है, बनने की तैयारी करते हैं परवर। परवर इधर चिली रखेंगे, ये कश्मीरी चिली थी, तीखी नहीं आती है, लेकिन मैंने वो काला मरी डाला है जिससे तीखी हो जाएगी। देखिए दूसरे भी आपको दिखाती हूँ आगे, थोड़ा थोड़ा लेके भरना है। आपके घर में कम तीखा खाते हो तो काले मरी का उपयोग मत करना, मुझे एकदम स्पाइसी और टेस्टी चाहिए। देखिए तो सारी मैं इसे बना के रेडी कर दूंगी। पूरे परवर भर दिया छाननी के अंदर, रख देंगे। अच्छे से छाननी के अंदर ले ली है। एक कढ़ाई के अंदर मैंने गरम पानी रखा है, गरम पानी के अंदर ये छन्नी रख देंगे और ऊपर से आयरन रख देंगे। और 10 मिनट तक कम आंच पे पका लेंगे। कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया पक के रेडी हो चुके हैं। तेल के अंदर तेल फ्राई करेंगे। दूसरा एक बर्तन लेना है, गैस पे गरम रखा है, तेल डालेंगे बड़ा 2 चम्मच जितना मैंने तेल डाला है। अच्छे से तेल को गरम होने देंगे और फ्राई जीरा डालेंगे। हींग डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन, अजवाइन थोड़ी सी सौंफ, ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ी सी।
हल्दी डालेंगे, गैस को कम कर देंगे, हल्दी और नमक और धनिया जीरा, हमारे परवल डाल देंगे, एकदम सावधानी से डालना है। देखिए अब जो भी सकती हो शांति से करना, ऐसे पूरे लगा देने हैं और 5 मिनट तक हम तेल के अंदर होने देंगे। फिर से इसे पूरे करके तेल को घुमाना है। ठीक है, मैं ऐसे कर रही हूँ, अच्छे से करारा बने, इसीलिए पांच मिनट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हो चुका है। चलिए ठंडा पड़े इसमें हम हमारा पराठा बना लेते हैं। गैस को बंद कर, तवा गैस पे रखा है, अच्छे से गर्म हो रहा है, तवा गर्म हो चुका है, तो हम हमारा बड़ा सा जंबो पराठा मैंने बना लिया है, तो सेक लेंगे बढ़िया सा। ये आपको बनते हुए पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है मित्रों, इसलिए मैं पूरा नहीं दिखाई। आपको ऐसा पराठा बनाना हो मुझे कमेंट करना, जरूर से आपको सिखा दूंगी। अच्छे से चेक करना है, देखिए तेल डाल रही हूँ, और तरफ से हमें पराठा को तेल लगाना है। आप चाहो तो मटर की भी लगा सकते हो, लेकिन परवल की सब्जी के साथ मुझे ये तेल वाला पराठा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये तेल वाला बनाया है। आप मटर की भी डाल सकते हो, ये जंबो पराठा है। आप आधा पराठा खाओगे तो आपको पेट अच्छे से भर जाएगा। थोड़ी देर अच्छे से पकाना, कच्चा नहीं रहना चाहिए, कच्चा रहेगा तो पेट दर्द होता है। देखिए अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। एक थाली के अंदर पराठा को ट्रांसफर कर लूंगी, गैस को बंद करेंगे, सर्व करेंगे खाना। मैंने एक थाली लिया है, इसके अंदर मेरे परवल निकालूंगी। देखिए तेल शांत हो जाता है, इसके बाद इसे हो जाता है। और ये बचा हुआ तेल का आप मसाला बाकरी भी बना सकते हो, थोड़ा सा आटा डाल के, पानी डाल के आटे को गूंद देना, मस्त सब्जी के साथ बढ़िया सी गुजराती खिचड़ी, मूंग दाल चावल की एक बढ़िया सा करारा पराठा, बहुत ही सुपर और टेस्टी खाना बनके रेडी हो चुका है। मित्रों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपके घर पे ये परवल की सब्जी जरूर से बनाना, बहुत टेस्टी बहुत हेल्दी शरीर के लिए। ओके मित्रों, बाय बाय मित्रों, कल दूसरे वीडियो के साथ वापस मिलेंगे।